29 मार्च 2022, आज की मुरली। मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? उत्तर, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए, जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीत, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति, ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को कि ये वक्त जा रहा है। यह है बेहद की बात। जब मनुष्य बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत गए, बाकी थोड़ा समय ही है, कुछ अच्छा काम कर ले। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं, समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करें। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना, इसलिए ही सत्संग में जाते हैं। सत्युग में तो ऐसी बातें होती नहीं, बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, अभी बाप से वर्षा ले लो। वो लोग साधु संत तो करते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखे। बाकी पाप कम होते हैं, बड़ा पाप तो होता है विकारों का, धंधा धोरी छोड़ देते हैं। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है, तो विकार को छोड़ते ही नहीं, 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहते हैं अब ये रावण राज्य खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप से योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। वापस चलने में थोड़े दिन हैं, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा धोरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बुढ़ियों को ही याद करना है, नहीं, सबका मौत अब नजदीक है। यह शिक्षा सबके लिए है, छोटे बच्चों को भी समझाना है। हम आत्मा हैं, परम धाम से आए हैं, बिल्कुल सहज बात है। गृहस्थ का भी पालन करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है, फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आपे ही छूट जाएंगे। घर वाले आपे ही कहेंगे तुम भल सर्विस करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे या माई अर्थात नौकर रख लेंगे, तो उसमें भी उनको फायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं, स्त्री चाहती है हम ईश्वरीय सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण होगा। दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत हैं। सुबह और शाम सर्विस हो सकती है, दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है। बीके को सेवा के समय सेवा करनी है, सोना नहीं है। कोई कोई बच्चियां टाइम रखती हैं युक्ति से, समझती हैं दिन में कोई न आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं। यहाँ तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है, बहुत फायदा है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं। कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब नहीं होता।
आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती, फिर एक जैसे भी सभी नहीं हैं, कोई तो बहुत ऑनेस्ट हैं, जितनी सर्विस मिले तो उनको खुशी होती है क्योंकि एवजा भी मिलता है, जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, अवगुण निकल जाने चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण, यहाँ है सब में असुरी गुण, कोई भी खामी न हो ऐसा मीठा बनना है। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे, कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है, रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है, पहले तो अपनी जीवन बनानी है। हम बैठ जाएं तो घाटा हमको ही पड़ेगा, पहले तो यह है रूहानी सर्विस, किसका भला करें, किसको निरोगी धनवान आयुष्मान बनाएं। सारा दिन यह ख्याल चलना चाहिए, वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और तख्त नशीन भी होते हैं। पहले बाप का परिचय देना है, बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो? परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पहचान देनी है तो बाप से लब जुटे। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आकर नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ। कृष्ण तो यह कह न सके, वह तो स्वर्ग का प्रिंस है, रूप बदलते जाते हैं। झाड़ पर समझाना है, ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, वह है पतित, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा की वंशावली भी है। परमपिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित सो फिर पावन बनते हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते, तुम समझा सकते हो, यह पतित है, असल नाम ब्रह्मा नहीं है। जैसे तुम सबके नाम बदले हुए हैं, वैसे बाबा ने इनको भी अडॉप्ट किया है, नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहां से लाया? स्त्री तो है नहीं, जरूर अडॉप्ट किया। बाप कहते हैं, मुझे इनमें ही प्रवेश करना है, प्रजापिता ऊपर तो हो ना सके, यहाँ चाहिए, पहले तो यह निश्चय चाहिए। मैं साधारण तन में आता हूँ, गौशाला नाम होने कारण बैल और गाय भी दिखाते हैं। अब गौ को ज्ञान दिया, वह गौएं चराएं, यह नहीं लिखा है। चित्रों में श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया, ऐसी ऐसी बातें और धर्मों में नहीं है, जितने इस धर्म में है, ये सब भक्ति मार्ग की नूंद है। अब तुम बच्चे जानते हो, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते हैं, इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, अमर लोक में उच्च पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए, तुम ये पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे, पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। तत्वम शिव बाबा कहते हैं, जैसे ये मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो तो ऊंच पद पाएंगे। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे, उस समय ही खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में धंधे आदि का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे, ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मते बच्चे मद दे बाप तो है ही, अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है, जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना ही बनेगा, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर्स हैं, उतने ही फिर होंगे। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वह सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे।
या नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए। अब हम कहते हैं हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान हैं, यह सारी विश्व मेरी है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे हैं, विश्व के मालिक हैं। ये बुद्धि में आना चाहिए, तब अथाह खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहां भी सर्विस करनी चाहिए, सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। अगर ज्यादा समझने चाहते हो तो बोलो, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी तुमको समझाते हैं। सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी आ जाती है, समझाने का शौक नहीं रहता। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की, उसकी रिजल्ट यह निकली, ऐसे ऐसे समझाया, तो बाबा भी खुश हो जाए, समझे तो इनको सर्विस का शौक है। कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए, पूछना चाहिए गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हैं, हेवनली गॉड फादर कहते हैं, तो जरूर हेवन रचेगा। कितना सहज है, आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली है, मनुष्यों को वैराग्य आएगा। शमशान में मनुष्यों को वैराग्य आता है, बस दुनिया की यह हालत हो जाएगी। इससे तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़े। फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं, तो इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। तुम्हें अपने बच्चों आदि की पालना भी करनी है और सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो, कितने बच्चे हैं, वह है हद का गृहस्थ व्यवहार, यह बाबा तो बेहद का मालिक है। बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं, यह सब का अंतिम जन्म है, बाप हीरे जैसा बनाने आए हैं, फिर तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो, दिन में कौड़ियों का धंधा करो, तो सर्विस पर हिर जाएंगे, उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे तो कोटों में कोई, आज नहीं तो कल याद करेंगे, तो फलाने दोस्त ने हमको यह बात कही थी। अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। भारत का सहज योग और ज्ञान तो मशहूर है, परंतु क्या था, कैसा था, वह नहीं जानते। ये त्योहार आदि सब संगम युग के हैं, सतयुग में तो है ही राजाई, हिस्ट्री सारी है संगम की। सतयुग देवताओं की राजाई कहां से मिली यह भी अभी मालूम पड़ा है। तुम जानते हो हम ही राजाई लेते हैं और हम ही गवाते भी हैं, जो जितनी सर्विस करेंगे। अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है, प्रोजेक्टर भी गांव-गांव में जाएगा, यह सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी, बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेगी। यह ड्रामा में था, ऐसे नहीं कि यह क्यों हुआ, ऐसे न करते तो ऐसा होता था, यह भी कह नहीं सकते। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार, माया कोई विकर्म ना कराए। मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो, हार्ट फेल नहीं होना है। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। बाबा लिखते हैं, बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, पर विकार में नहीं जाना, ये तुम्हारे ही विकर्मों का
हिसाब किताब है। योग बल से ही खत्म होगा, डरना नहीं है, माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं। सर्विस तो अथाह है, जितना भी कोई करे। अच्छा, मीठे मीठे सर्विसेबल सिखी लदे बच्चों प्रति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है, सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। दूसरा, माया कोई भी विकर्म न करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। वरदान, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। विस्तार है, तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित भाव और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें, सबके मुख से निकले कि हाँ यह नंबर वन है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। स्लोगन, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर कभी धोखा नहीं खाएंगे। ओम शांति।